तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। स्वागत है फिर से आप सभी का एक और ब्लॉग में। तो आज भाई हम जा रहे हैं दोबारा से फिर से मार्केट, तो देखते हैं भाई आज कहाँ का चक्कर मिलता है हमें। तो चलो भाई चलते हैं, हमारे साथ बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर। चलो गाइस चलते हैं अब मार्केट की तरफ, दिखाते हैं आपको रास्ते का नज़ारा। भाई बच्चे जा रहे हैं स्कूल और हम जा रहे हैं काम पे। भाई भाई मजे तो बचपने में ही आते हैं, पर हम सबको लगता है कि हम कहाँ फंस गए यार, स्कूल जा रहे हैं मौज मस्ती नहीं कर रहे। भाई बड़े हो गए पता चलता है, कोई बात नहीं चलो। तो भाई पहुंच गए हम सीएनजी पंप पे, अब डलवाएंगे यहाँ पे गैस। ये पंप जो है भाई ये एनएलटी के पास राजनगर गाजियाबाद। अभी है गाड़ी हमारे पास 5-6 लगी हुई है हमसे आगे। तो भरवाते हैं यहाँ से गैस और निकलते हैं फिर आगे। भाई सीएनजी गाड़ी तो ले लो, पर भाई ये जो सीएनजी की लाइन में खड़ा होना पड़ता है ना, बड़ा परेशानी होती है भाई। और यहाँ बन जाता है हमारे साथ सीन, एक एक घंटा खड़ा होना पड़ता है भाई यहाँ पे हमें। अब अगली बार हम गाड़ी लाएंगे तो अपनी लाएंगे डीजल गाड़ी, अभी तो हम चलाएंगे इस गाड़ी को 5-6 साल और। अभी है 6.5 साल इस गाड़ी के, तो भरवाते हैं भाइयों गैस। चलो चलते हैं। तो भाई सभी भाइयों को राम राम। तो आज भाई सीएनजी भरवाने के बाद मार्केट में आ चुके हैं हम, पर भाई सुबह से कोई काम नहीं आया अभी तक, और देखते हैं भाई कितनी देर बाद काम आता है। अभी टाइम जो हो रहा है भाई 4 बज रहे हैं भैया, और अभी तक कोई चक्कर नहीं आया। हमने 2-4 जगह फ़ोन भी करा है पर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला हमको। तो भाई देखते हैं फाइनली कितनी देर में आता है कोई चक्कर। और भाई इस टाइम बहुत काम डाउन है मेरे भाइयों, अगर कोई भाई गाड़ी लाने के सोच रहे हैं छोटा हाथी या बलेरो तो भाई प्लीज़ अभी मत लाना। हाँ अगर अपना काम है और सेटिंग है कहीं तो भाई फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पर भाई इस टाइम वैसे अगर सोच रहे हो कि भाई आपस में कहीं से चक्कर ले लेंगे या फिर हाँ भाई तो आपस में सोच रहे हो कि आप चक्कर ले लेंगे भाईचारे से काम चल जाएगा गाड़ी चल जाएगी, भाई वैसे कोई नहीं देने वाला भाड़ा भाई, क्योंकि इस टाइम बहुत मार्केट डाउन है। आदमी सोचता है कि पहले मैं एक चक्कर मार लूँ फिर उसके बाद किसी को दूँ या नहीं भी दूँ, तो भाई ऐसा ही है इस टाइम का हाल बस। तो भाई जो भी भाई बलेरो पिकअप या छोटा हाथी ला रहे हो तो वो बहुत सोच समझ के लाना भाइयों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और फॉलो करना मेरे भाइयों। तो देखते हैं भाई कर रहे हैं अभी इंतज़ार कितनी देर में आता है कोई चक्कर। शाम के 4 बज चुके हैं भाई, सुबह 9:30 बजे निकले थे हम अपने घर से और ये टाइम हो चुका है। तो देखते हैं भाई कितनी देर तक और बैठना पड़ता है, काश कि कोई भाई चक्कर आ ही जाए, क्योंकि अपनी जेब से भाई हम सीएनजी डलवा के आए हैं 600 रुपये की, कमाया अभी तक 1 रुपये नहीं है भाई, और 150 रुपये वैसे ही खर्च हो गए हैं मार्केट में बैठे बैठे। तो भाई अब क्या होता है, इस टाइम 3 दिन थाली बैठे रहे थे, आज आए थे मार्केट में पर मार्केट इतनी डाउन है कोई चक्कर ही नहीं है। और अभी एक स्टाफ वाले भाई भी आ रहे हैं अपनी गाड़ी में काम करवाने के बाद, तो यहीं आएंगे मिलवाएंगे आप सभी से उन भाई को भी, वो बताएंगे अपनी गाड़ी का क्या हाल चल रहा है। भाई खर्चा इतना है गाड़ियों में, स्पेयर पार्ट इतने महंगे हो गए हैं ना भाई क्या बताएँ। खैर कोई बात नहीं, जब गाड़ी लाए हैं तो भाई झेलेंगे भी। भाई मैं तो गाड़ी ला के पछता रहा हूँ इस टाइम, काम है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। मिलते हैं आप सभी से जैसे भी, अगर कोई ट्रिप आ गई तो भाई आपको सबको नज़ारे दिखाएंगे वहाँ की, और नहीं आई तो अपने घर पे जाकर अलविदा बोलेंगे। तो चलते हैं गाइस।
तो भाइयों काम आज कोई मिला ही नहीं है सुबह से। अब हम जा रहे हैं अपने घर। इस टाइम है हम गाजियाबाद RDC फ्लाईओवर पे। तो चलो भाइयों चलते हैं अपने घर, मिलते हैं आप सभी से आगे, दिखाते हैं आपको आगे RDC की मार्केट। तो भाई आ गए हम गाजियाबाद RDC। ये है कुछ ऐसी मार्केट यहाँ की RDC की। ये हवाई मार्केट RDC की मार्केट है, जाम दुनिया भर का लगा हुआ है। स्कॉर्पियो वैन, भाई कहाँ खोए हुए हो बेटी पुष्पा। तो भाइयों आज ब्लॉग करते हैं हम यही एंड। आई होप कि आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। भाई काम आज मिला नहीं है हमको भाई, तो जा रहे हैं अपने घर पे अब। तो ब्लॉग को एंड यही करते हैं। अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो भाई प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना और कमेंट करना भाई गाजियाबाद से कौन भाई वॉच कर रहे हैं।